तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम रोलिंग से रिलेटेड टाइप 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें निकालना होता है मैक्सिमम रिडक्शन कि किसी रोलिंग ऑपरेशन के अंदर हम किसी शीट की थिकनेस के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना चेंज लेकर आ सकते हैं। एंड इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है और ये बेसिकली एक मास्टर प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? पूरे फंडामेंटल्स आपको समझ आ जाएंगे। अगली प्रॉब्लम के अंदर सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आया था 2006 में, वॉट 2 मार्क्स। अ 4 mm थिक शीट इज रोल्ड, एक शीट है जिसकी थिकनेस है 4 mm, हमने उसके ऊपर रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है विद 300 mm डायमीटर रोल। अब रोल का डायमीटर 300 है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा 150, क्योंकि जनरली फॉर्मूलों में रेडियस का ही इस्तेमाल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.1। द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस ऑफ शीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल पास इज, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, हमें निकालना है कि जो फाइनल शीट होगी उसकी कम से कम थिकनेस, कम से कम कितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम से कम, ठीक है? जो शीट आ रही है उसकी थिकनेस है 4 mm, ज्यादा से ज्यादा जो निकलेगी इट विल बी 4 mm, कम से कम कितनी फाइनली कितनी कर सकते हो, कितना रिडक्शन आप उसमें दे सकते हो, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, रिडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इन माइनस टी आउट, T1 माइनस T2, जो अंदर थिकनेस जा रही है माइनस जो बाहर थिकनेस निकल रही है, हमें T आउट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो T जो बाहर निकल रही है शीट, हमें उसकी बात करनी है, सो T इन माइनस डेल्टा, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है? अब हमसे पूछा गया है कि जो प्लेट बाहर निकल रही है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब जो प्लेट अंदर जा रही है उसकी वैल्यू तो है 4, ठीक है? अब 4 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, हमें यहां पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से मैक्सिमम रिडक्शन माइनस करेंगे। रिडक्शन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, प्लेट की फाइनल थिकनेस सबसे कम होगी, ठीक है? तो माइनस डेल्टा मैक्सिमम, तो पहले हम निकालेंगे कि रिडक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है? तो रिडक्शन का फॉर्मूला एंगल ऑफ बाइट, मतलब इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, सबसे पहले टाइप 1 प्रॉब्लम में मैंने यही फॉर्मूला डिराइव किया था। तो बेसिकली क्या निकाला था हमने, एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। ये एंगल ऑफ बाइट ऑफ कोर्स ये रेडियंस में है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर। डेल्टा है रिडक्शन, आर है रेडियस ऑफ रोलर, ठीक है? और मैंने अभी टाइप 5 प्रॉब्लम जब मैंने आपको पढ़ाई थी जस्ट इससे पिछले सेशन के अंदर, मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग केस में थीटा एंगल ऑफ बाइट की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, दैट कैन बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेयर थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है? तो इसकी अब हमें बेसिकली फॉर्मूला क्या बन रहा है डेल्टा का, ये बन रहा है थीटा स्क्वायर आर, ठीक है? हमें निकालना है मैक्सिमम रिडक्शन क्या होगा, वो क्या होगा, थीटा मैक्सिमम का स्क्वायर आर, और थीटा मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, म्यू यानी म्यू स्क्वायर आर, ये, सो दैट्स थीटा मैक्सिमम। ये चीज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो समझ आ गया भाई, फॉर्मूला याद कर लेना, डेरिवेशन तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हमें एक ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, इसका स्क्वायर रेडियस हमें दिया गया है 150, थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है? तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 1.5, ठीक है? तो रिडक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1.5, हाँ जी आगे, नहीं हमसे ये नहीं मांगा गया, हमसे क्या मांगा गया, हमसे मांगा गया आउटगोइंग थिकनेस शीट की मिनिमम थिकनेस, ठीक है? तो उसका फॉर्मूला क्या है, टी मिनिमम जो आउटगोइंग है इज इक्वल टू 4 माइनस डेल्टा मैक्सिमम, मैक्सिमम रिडक्शन, सो 4 माइनस 1.5, तो ये क्या आ गया 2.5 mm. So friends, that's how we solve this such a simple problem.